एंड वेलकम बैक ऑन दिस चैनल क्रेजी टीवी 24। सो गाइस, एक बार फिर से शहनाज का नाम गूंजा बीबी 14 के अंदर, शहनाज का डंका बजा बीबी 14 के घर के अंदर। तो दरअसल हमने इससे पहले आपको बताया था कि फराह खान जब आई थी घर में तो किस तरीके से शहनाज की तारीफ करती हुई नजर आई थी कि शहनाज ने कितना ज़्यादा नाम अपना रोशन कर लिया, बिगेस्ट सुपरस्टार बन चुकी हैं। अब गाइस क्या हुआ है, अब ये हुआ है हाल ही में जो भी वीकेंड का वार हुआ है गाइस, तो आपको बता दें उसमें और किसी ने नहीं बल्कि सलमान खान ने एक बार फिर से शहनाज की बात करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें सलमान खान ने घर के कंटेस्टेंट को बताते हुए नजर आए हैं कि आप चाहे जितना भी काम बैग में करके आ जाए बैकग्राउंड में, उससे कोई फर्क यहाँ बिग बॉस में नहीं पड़ता है। चाहे जितने आप पॉपुलर हो, वो सब काम यहाँ नहीं आता है। वो काम तब आए, वो जो काम आपका पिछला होता है उस पर आपको लोग प्यार नहीं करते हैं, लोग आपकी रियलिटी देख कर आपको प्यार करेंगे, पसंद करेंगे। जिस तरीके से लास्ट सीजन में बीबी 13 में रश्मि और देवोलना कितना ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन एक और लड़की आई थी जिसकी फैन फॉलोइंग कुछ भी नहीं थी, कोई से नहीं जानता था, फिर भी वो कितना ज़्यादा पॉपुलर हुई और आज भी उन दोनों लोगों से कितना ज़्यादा पॉपुलर है। तो कहीं ना कहीं सलमान खान ने एक बार फिर से बताया कि शहनाज की पॉपुलरिटी इट्स अ हाई टाइम, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस समय। तो रश्मि देवोलिना से भी वो बहुत आगे निकल चुकी हैं और रश्मि देवोलिना काफ़ी पीछे रह चुकी हैं शहनाज के साथ पॉपुलरिटी के मामले में। वेल, क्या कहना है इन सब के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए राय।